बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 7। हम यूनिट 2 से पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स। एक्सरसाइज 2 ये हमारी कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल है स्टैंडर्ड फॉर्म, कि रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास नंबर है 6/9, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि अगर ये नंबर सेम टेबल से इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हैं तो हम उनको डिवाइड कर देते हैं। अब देखें कि 6 और 9 दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में आ रहे हैं। दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में। तो अब हम 3 से इनको डिवाइड कर देते हैं। इसको दो तरह से कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 3 का टेबल 6 तक पढ़ें, 3 2 6। इसी तरह फिर 3 का टेबल 9 तक पढ़ें, 3 के टेबल में 9 कब आएगा, 3 3 9। ये आपके पास आंसर आ गया। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास 6/9 है, अब आपके माइंड में होना चाहिए दोनों किस नंबर से कट हो सकते हैं, दोनों 3 से हो सकते हैं। 3 का टेबल पढ़ें, 3 2 6 और फिर 3 3 9, तो आपके पास आंसर क्या होगा, 2/3। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया। दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में है ये एक्सरसाइज 2B, पेज नंबर है 25। फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये बेटा आपने खुद करना है ये होमवर्क में, ये इंशाल्लाह हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं पेज नंबर 26 पर, अपनी बुक से देखें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर्स गिवन है, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट 4/6। अब साफ नजर आ रहा है कि 4 और 6 दोनों किस टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों 2 के टेबल से हो सकते हैं। 2 का टेबल पढ़ें, 2 के टेबल में 4 कब आएगा, 2 2 4। फिर 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 3 6। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया नंबर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। इसका नेक्स्ट पार्ट है -4/-9। अच्छा, इसमें देखें कि टेबल डिवाइड नहीं हो रहे, 2 और 9 किसी भी टेबल में नहीं आ रहे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए दोनों के पास नेगेटिव साइन है। तो क्या करेंगे, नेगेटिव साइन दोनों के खत्म होना चाहिए। अगर सिंगल नंबर के पास होता है तो फिर तो ऐसे ही रहना था। दोनों के नेगेटिव साइन, -(-) प्लस हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/9। 4 और 9 दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर आ गए। तो इसके बेटा रिमेनिंग पार्ट्स आपने होमवर्क में करना, बहुत सिंपल है, हो जाएंगे। इसी तरह कि नंबर देखें कि अगर साइन आ रहे हैं साइन कैंसिल कर देने, और नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं सेम टेबल से तो वो कर देने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, गिवन है हमें 4/5, इसके इक्वल नंबर आ रहा है -12/(box) गिवन है, फिर इक्वल आ रहा है 20/, फिर बॉक्स। अच्छा, ये तीनों नंबर्स क्या है, इक्वल है, ये स्टैंडर्ड है, और इनको फिर आगे मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया किसी भी नंबर से, मल्टीप्लाई होंगे ये तो। देखिए 4 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें तो -12 आ रहा है। हमें पता है कि अगर हम यहां रफ करके देखते हैं, 4 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × -3 -12 बनेगा। अगर हमने न्यूमिनेटर को -3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर को भी हमें -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां डिनोमिनेटर पे नंबर आ जाएगा। डिनोमिनेटर 5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी -3 से, -5 3 = 15। तो फर्स्ट बॉक्स में आएगा -15।
अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी नंबर से इसको क्रिएट करना है। फोर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ रहे हैं, फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव तो हमारे पास बन रहा नंबर 20, तो ऊपर तो 20 है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में है 5 है, इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, सेम नंबर से 5 से, इसको भी अगर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 25, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 25 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। सेकंड देख लें, सेकंड पार्ट में -5/7 इसके इक्वल नंबर आ रहा है -15/बॉक्स इज इक्वल टू -35/बॉक्स, सिंपल है सब इसी तरह ही होंगे। देखिए नेगेटिव नंबर -5 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि -15 आएगा, देखिए -5 मल्टीप्लाई बाय इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा 15 आ जाएगा -15, इसका मतलब है 7 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि -5 को 3 से किया तो इसको भी 3 से, 3 7 21 फर्स्ट में आ जाएगा हमारे पास 21। नेक्स्ट -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास -35 आएगा, 5 7 इसका मतलब है इसको 7 से किया गया तो -35, तो डिनोमिनेटर में 7 है इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 7 से, जिस नंबर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को भी उसी से करेंगे तो 7 7 49, दिस इज द आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बेटा आप देख रहे हैं इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद करना है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि बहुत इजी है तो इंशाल्लाह आप सब लोग इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट देखिए आपके ऊपर पेज नंबर 26। डिटरमाइन विच ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस, तो हमने बताना है कि इसमें ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर, ग्रेटर नंबर हमने फाइंड आउट करना है। -3/7 फर्स्ट नंबर है, 2/7। अच्छा इसमें देखें कि पहला नंबर है नेगेटिव और दूसरा नंबर है पॉजिटिव, तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, जो नंबर नेगेटिव होगा वो स्मॉलर होगा। अब क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है वो हमेशा स्मॉलर होगा और ये ग्रेटर होगा, तो इसमें ग्रेटर नंबर क्या होगा फिर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होते हैं, ग्रेटर नंबर इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है 2/7। नेक्स्ट है सेकंड -4/9 -5/6, तो अब इसमें दोनों नंबर नेगेटिव आ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, तो इसका करने का मेथड क्या, हम सबसे पहले इसके जो है वो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे, अगर डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लें तो फिर हम इजीली बता सकते हैं। अच्छा वैसे आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वन नंबर नेगेटिव -1 है और -10, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा होगा, अगर नंबर्स दोनों नेगेटिव हों तो जिस नंबर की वैल्यू कम होगी वो नंबर ग्रेटर होगा, इसमें ग्रेटर कौन सा नंबर होगा -1, नेगेटिव जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। अब सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लें, डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए दो तरह से कर सकते हैं कि इसका एलसीएम चेक कर लेते हैं, अगर एलसीएम नहीं चेक करना चाहते तो आप क्या करते हैं इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, चेक करते हैं -4/9 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, सेकेंड नंबर के डिनोमिनेटर से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड नंबर -5/6 इसको जो है वो ये इसके डिनोमिनेटर से फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों नंबर्स को, इनको मल्टीप्लाई किया -24/96 = 54 सेकंड -45/96 = 54 अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अगर नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन ना हो, सुने बेटा बात मेरी,
अगर आपके पास डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस में सेम हो जाएं और नेगेटिव साइन ना हो तो आपके पास ये ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलर है। लेकिन अगर नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो वैल्यू आपकी न्यूमरेटर में स्मॉलर होगी वो नंबर आपका ग्रेटर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर नंबर के साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो वो स्मॉलर हो जाएगी। अब ये ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव साइन है न्यूमरेटर में तो ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर हो जाएगा। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है? ये तो ये किससे प्रोड्यूस हुआ है? इस नंबर से। तो इसका मतलब है -4/9 इज ग्रेटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसके बेटा रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने होमवर्क में करना है। तो 2 हो गए, चलिए एक और कर लेते हैं। तो 3 होगी रह जाएंगे, फिर 3 आपने कर लेना है और ये 3 मैं आपको कर देता हूं। इसमें कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, -7/11, 5/-8। नेगेटिव साइन का कोई इश्यू नहीं है किसी के साथ भी, न्यूमिरेटर के साथ हो या डिनोमिनेटर, नंबर नेगेटिव है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -7/11, 5/-5/8, तो 8 कोई इश्यू नहीं बनता। अब सबसे पहले देखें दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो हम इनको चेक करने के लिए इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करें। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से इनके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई और ये दोनों, फिर -5/8 सेकंड नंबर ले ले, फर्स्ट डिनोमिनेटर से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, -7/8 = 56/11/8 = 88, -11/5 = 55/88। अब नेगेटिव नंबर है, आपको मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो जो नंबर स्मॉलर वैल्यू रखेगा वो ग्रेटर हो जाएगा। तो ये नंबर हमारे पास स्मॉलर वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर है। तो ग्रेटर नंबर ये और इससे ये इससे प्रोड्यूस हुआ है तो -5/8 इज ग्रेटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर साइन हम नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर को दें। तो बेटा आपने रिमेनिंग पार्ट होमवर्क में करना है, जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और जो है फिल इन द ब्लैंक्स वो भी। तो आज का हमारा आर्टिकल कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।